आधुनिकता की चकाचौंध में पारंपरिक तौर से मनाया जाने वाला लोहड़ी का पर्व अब अपना अस्तित्व खोता जा रहा है। जहां लोहड़ी से एक माह पूर्व बच्चों की टोलियां घर घर जाकर सुंदरिये मुंदरिये जैसे कई बोल गाकर व नाचकर घर घर लोहड़ी मांगने जाते थे, वहीं आधुनिकता के इस दौर में जहाँ इंटरनेट पर युवा पीढ़ी 24 घंटे व्यस्त है, वहीं त्योहारों के रंग फीके पड़ते जा रहे हैं। अब इंटरनेट पर संदेश भेजकर लोहड़ी पर्व की शुभकामनाएं दी जाती हैं। लोगों में पहले जैसा उत्साह व त्यौहार का जोश नहीं दिखाई दे रहा। बात करते हैं हिमाचल के जिला सोलन की, तो सोलन में लोग अपने घरों में लोहड़ी के दिन तिल के तलाए बनाते हैं। बस यह परंपरा भी गाँव तक ही सीमित होकर रह गई है। शहर के लोग बाजार से ही खरीदारी करते हैं। हालांकि शाम के समय शहरों में लकड़ी जलाकर लोहड़ी जलाई जाती है, लेकिन ना तो इसका अर्थ युवाओं को पता है, न ही वह गीत किसी को याद हैं जो कि पूर्व में इस त्यौहार पर गाए जाते थे। का त्यौहार है, आज हमने सबको विश करना है व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टिकटॉक एंड ऑल। हमने बहुत धूमधाम से लोहड़ी बनाई। नहीं, अभी तो नहीं गए थे। आप मांगने जाते हैं लोहड़ी? नहीं, लोहड़ी का मुझे नहीं आता। छोटे में और बड़े में कुछ नहीं, बस यही तिल के लड्डू बनाते हैं और बाकी मूँगफलियाँ वगैरह। ये तो पता नहीं। नहीं नहीं नहीं, लोहड़ी का त्यौहार है और हम बहुत धूमधाम से मनाते हैं और आज शाम को हम लोहड़ी जलाएंगे और फेसबुक व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी आ रहे हैं और हैप्पी लोहड़ी। गाने नहीं नहीं, बट शाम को ऐसे वो जलाते हैं और उसमें तिल पट्टी एंड ऑल सब कुछ डालते हैं। नहीं कुछ और पता नहीं, गाने हमारे तो नहीं गाते हैं, बट देखे हैं शायद मूवीज वगैरह में गाते हैं। आप गाते हैं? मैं कंडा घाट से। तो कंडा घाट में गाने नहीं, वहाँ पे जैसे ऐसी लोहड़ी बनाते हैं, जलाते हैं। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।